हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ सलमान खान की फिल्म रेस थ्री के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सलमान खान का कुछ इस तरह का जो लुक होगा वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा उनकी आने वाली फिल्म रेस थ्री में। जी नहीं, ये उसका पोस्टर नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा इस वीडियो के एंड होने के पहले। सबसे पहले बता दूँ कि सलमान अपना जो वज़न है वो कम करना चाहेंगे इस फिल्म के लिए, उनको कहा गया है। और ऐसे कहा जा रहा है कि सलमान खान अपना 8 किलो वज़न कम कर देंगे। ये खबरों में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दिया है कि सलमान खान इस रोल के लिए 8 किलो वज़न कम कर सकते हैं, और उसके लिए एक स्पेशल डाइट है वो प्लान की गई है। अगर आपने सलमान खान को हाल फिलहाल में देखा होगा बिग बॉस के शो पर भी, तो इतना आपको समझ में आ गया कि उनका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा आपको, क्योंकि उनकी जो पिछली कुछ फिल्म है जैसे टाइगर जिंदा हो या उसके पहले सुल्तान, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी वेट गेन किया था। अब कुछ एक स्लिम ट्रिम लुक में नज़र आने वाले हैं। और यही नहीं, जो मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो ये है कि सलमान खान अपने 30 साल के कैरियर में पहली बार नेगेटिव रोल प्ले करने वाले। जी हाँ, इस फिल्म में उनका रोल नकारात्मक होने वाला है। अब देखना है ईद के मौके पर नकारात्मक भूमिका में निभाने वाले सलमान खान लोगों कितना रिझा पाते हैं। ये जानकर आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।